हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि स्मार्ट कंपनियों के बीच में बहुत सारा कंपटीशन चल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है ये कंपटीशन में हम लोगों को फायदा है कि नुकसान? एक्चुअली में आप लोग देखने के लिए जाओगे तो ये कॉम्पिटिशन में हम लोगों को फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता है क्यों? पहले जो ट्रेंड था वो समझ लीजिए 3000 mAh की बैटरी का था, 4000 mAh, उसके बाद 6000 mAh, 5000 mAh। मतलब ये बैटरी है या बैटरा है वो मुझे पता नहीं चल रहा है। एक्चुअली में आप लोग खरीद तो लेते हो कि चले 6000 mAh की बैटरी है तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी, लेकिन लोगों आप लोगों को पता है कि उसकी साइक्लिंग, उसकी जो लाइफ है वो कहाँ तक की है? हर बैटरी की एक ना एक रिसाइक्लिंग होती है। जैसा कि कोई बैटरी एक बार में 1000 बार चार्ज होती है, कोई 2000 बार चार्ज होती है, कोई 500 बार चार्ज होती है। मतलब एक साइक्लोन रहता है बैटरी का, वो बस उतनी बार ही चार्ज हो सकती है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकती। तो ये जानकारी भी आपको होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे होगी? आप नॉर्मली कोई भी मान लीजिए कि आपको मिल रहा है कि 6000 बैटरी का mAh का पावर, और आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा, पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है ये 6000 mAh की बैटरी का जो पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 दिन ही चल पाएगा? 500 दिन तक आप उसको 500 बार चार्ज कर सकते हो, उसके बाद वापस प्रॉब्लम आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। या तो फिर 40% पे पावर ऑफ हो जाएगा, या तो फिर 30% पे पावर ऑफ हो जाएगा, 50% पे पावर ऑफ हो जाएगा, 60% पे भी पावर ऑफ हो सकता है, उसके बाद वापस आपको चार्ज करना होगा। लेकिन 4000 mAh बैटरी की अगर आप लाइफ देखने के लिए जाओगे तो वो 2000 बार चार्ज होती है, 3000 बार चार्ज होती है। मतलब हर एक बैटरी का एक ना एक लाइफ होता है। तो आपको क्या लगता है कि इतने बैटरी का एमएच का पावर जो हमको बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, ओनली रेडमी का नाम ले लीजिए, तो रेडमी ओनली 9000 रुपीज़ में आपको ये स्कीम देती है कि 5000 mAh की बैटरी है, 6000 mAh की बैटरी है। लेकिन वहाँ पे बैटरी के साथ क्या आपको अच्छा एक प्रोसेसर मिलता है? स्टोरेज की बात निकल लीजिए, आज हर कोई मोबाइल में 128 GB मिलता ही रहता है, तो स्टोरेज तो इग्नोर कीजिए, क्योंकि स्टोरेज आजकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। पता नहीं क्यों लोग स्टोरेज के पीछे भागते हैं। स्टोरेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है तो उसका प्रोसेसर। रैम भी अगर आप मान लीजिए कि 4 GB RAM का कोई फ़ोन यूज़ करते हो, लेकिन उसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही पावरफुल हो तो फोन परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन मान लीजिए आप कोई 8 GB का रैम वाला फ़ोन यूज़ करते हो, लेकिन उसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही लो है, तो उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। रैम किसके लिए काम आती है? रैम जो है वो आपको एप्लीकेशन इंस्टॉलिंग के लिए काम आती है। आपके एप्लीकेशन की जो जगह है वो इतनी कवरेज हो सकती है। मतलब मान लीजिए कि 1 GB की रैम है तो आप 1 GB की टोटल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। अगर वो 1 GB के ऊपर हो गया तो मेमोरी फुल का नोटिफिकेशन आ जाता है। और आजकल फ़ोन में स्पेसिफिकेशन मतलब ज़्यादा बचाने के लिए बहुत सारे नुस्खे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फ़ोन को आप पावरफुल कर सकते हो वो नुस्खे के जरिए। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द बताऊंगा, और वो वीडियो भी शायद बहुत जल्द आएगा। मैं ट्राई करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको अपने फ़ोन जो नॉर्मली 4 GB का जो फ़ोन है उसको भी कैसे फास्ट किया जाए, 3 GB का फ़ोन है रैम वाला उसको भी कैसे फास्ट किया जाए, या तो फिर आप स्टोरेज से परेशान हो कि आपका 64 GB का स्टोरेज है बहुत ही जल्दी फुल हो जाता है, तो आप उसको कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, उसको में स्पेस बचा सकते हो, अपनी स्पेस जो है दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। बहुत सारे क्रिएटिव वीडियोज़ आपको हमारे YouTube चैनल पे नेक्स्ट टाइम में मिलते रहेंगे, क्योंकि मैंने अभी डिसाइड किया कि ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात हो गई है। लोगों के दिल में रहता है 8 GB का रैम वाला फ़ोन, 6 GB रैम वाला फ़ोन मेरे हाथ में है लेकिन चलता स्लो है, तो वो कोई मतलब नहीं है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, रैम के रिलेटेड, स्टोरेज के रिलेटेड, मान लीजिए प्रोसेसर के रिलेटेड, आप अपना स्टोरेज कहाँ पर ट्रांसफ़र करो, हर एक क्रिएटिविटी मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग टॉपिक के, मोबाइल्स के रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों अभी से कर लीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम ऐसे ही क्रिएटिव वाले वीडियोस मिलते रहेंगे रेगुलरली। हो सकता है कि मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालूँ, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा काम कर जाती है। और आप लोग अभी कौन से डिवाइस यूज़ कर रहे हो, आपके हाथ में कौन सा डिवाइस है जिसमें आप मेरा वीडियो देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए वो डिवाइस का मॉडल नंबर, और उसके रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा कि आपके लिए ये डिवाइस में कौन सी टेक्निकल जो इशू है उसके रिलेटेड फेस हो रहा है, या तो फिर ये इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए आपको ये डिवाइस में, उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। सब स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको मिलता रहेगा, लेकिन खास बात आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। वीडियो अगर आप देखते हो तो पूरा देखना पड़ेगा,
आधे वीडियो पे आप छोड़ के चले जाओगे तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही जल्द भारत माता की जय, जय हिंद, अपर शुभ रहे।